हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए विलियम फॉकनर के फेमस नोवेल एब्सलम एब्सलम की एक समरी हिंदी में लेकर आया हूं। इसकी डिमांड आप में से कुछ फ्रेंड्स ने की थी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एब्सलम एब्सलम बाय विलियम फॉकनर। सबसे पहली बात, ये नॉवल 1936 में पब्लिश हुआ था और इस नॉवल की जो सेटिंग है वो अमेरिकन सिविल वॉर से पहले, ड्यूरिंग और उसके आफ्टर की है। एब्सलम एब्सलम और द साउंड एंड द फ्यूरी, इन दोनों के कारण विलियम फॉकनर को 1949 का नोबेल प्राइज मिला था। इस नोबेल में जो एब्सलम है वो बाइबल के अंदर से जो एब्सलम की स्टोरी है उससे लिया गया है। एक और खास बात है एब्सलम एब्सलम की कि इसके अंदर एक सेंटेंस है जिसके अंदर 1288 वर्ड्स है। जी हाँ, 1288 वर्ड्स है और इसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में लॉन्गेस्ट सेंटेंस इन लिटरेचर कहा गया है। इसका जो नरेटर है वो अनरिलायबल नरेटर है। ये एक साउदर्न गोथिक जर्नल का क्लासिक है जिसके अंदर मिस्ट्री है, मेहम है और फैमिली कर्स है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह इस नोवेल में विलियम फॉकनर ने पास्ट और प्रेजेंट के बीच में रिलेशनशिप बताई है, और जब खास करके जब इसमें यह बताया गया है कि जो हमारे पूर्वजों ने जो काम किए थे ना, उन कामों को अभी हमें भुगतना पड़ता है। प्लॉट समरी की हम बात करते हैं तो ये जो नोवेल है वो फॉकनर की जो फिक्शनल काउंटी है योकना पटावा, ये उसके अंदर होता है। योकना पटावा मिसिसिपी में है। तो ये जो नोवेल है ये साउथ की एक स्टोरी के रूप में है, और ये जो स्टोरी है वो कौन बताती है, वो बताती है क्वेंटीन कॉम्पसन। क्वेंटीन कॉम्पसन अपनी हार्वर्ड में जो रूममेट है श्रीव, ये उसको बताती है। जब श्रीव उससे पूछती है कि बताओ साउथ कैसा है, तो ये नोवेल की स्टोरी बताती है। हमें पता चलता है कि इस नोवेल की को इस स्टोरी को क्वेंटीन को किसने बताया था, उसे बताया था रोजा कोल्डफील्ड ने। रोजा कोल्डफील्ड एक 60 साल की मिस रोजा कोल्डफील्ड 60 साल की एक बुजुर्ग लेडी हैं जो बातें करते करते डिग्रेस में आ जाती हैं, डिग्रेशन ले लेती हैं, तो जो स्टोरी के बीच में कुछ रह जाता है उसे क्वेंटीन के फादर मिस्टर क्वेंटीन पूरा करते हैं। स्टोरी बताने वाली क्वेंटीन है, सुनने वाली है श्री। तो कहानी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है कि थॉमस सुटपेन जो है वो एक सेल्फ मेड मैन है वेस्ट वर्जीनिया से। वो 1833 में एक फ्रेंच आर्किटेक्ट और गुलामों के एक समूह के साथ आते हैं। अपने बारे में कुछ बताते नहीं है कि क्यों वो इस टाउन के अंदर आए हैं, लेकिन धीरे धीरे वो यहाँ पर एक प्लांटेशन क्रिएट करते हैं जो कि 2 सालों में बनती है। इसके बाद में वो इस टाउन के लोगों के साथ फ्रेंडली बन जाते हैं। इस प्लांटेशन का नाम सुटपेंस 100 कहा जाता है। सब लोग वो सब अपने पड़ोसियों को बुलाते हैं कि आओ मेरे प्लांटेशन पर आओ, तो आओ और यहाँ पर हंट करो। सबको ये पता है कि शायद ये जो प्लांटेशन है उन्होंने एक नेटिव अमेरिकन से इस जमीन को चुरा कर बनाया है। इसके बाद सुटपेन की शादी होती है एलन कोल्डफील्ड से। एलन कोल्डफील्ड एक ऐसी फैमिली से हैं जो रेपुटेबल तो हैं लेकिन उनके पास में पैसा नहीं है। इस शादी के बाद सुटपेन अब कम्युनिटी के अप्रूवल में ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं। वो कभी चर्च नहीं जाते हैं, बल्कि वो अपने जो प्लांटेशन के स्लेव्स हैं उनके साथ रेसलिंग किया करते हैं, और हमेशा अपने बेटे हैं, इनका एक बेटा है हेनरी और एक इनकी बेटी होगी जुडिथ, वो अपने बेटे हेनरी को हमेशा अपने रेसलिंग मैच के लिए बुलाया करते हैं। जब हेनरी बड़ा हो जाता है तो उसे लॉ स्कूल में भेजा जाता है। वहां पर उसकी फ्रेंडशिप एक वहां के एक उससे सीनियर, जो उससे 10 साल सीनियर होता है, उससे हो जाती है, जिसका नाम है चार्ल्स बोन को हेनरी अपने घर लेकर आते हैं, और धीरे धीरे चार्ल्स बोन और हेनरी की सिस्टर जुडिथ के बीच में अफेयर हो जाता है। ये दोनों कपल शादी करना चाहते हैं, जिसका थॉमस सुटपेन बहुत विरोध करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ हो पाता थॉमस हेनरी और चार्ल्स सबको सिविल वार में
पड़ता है। इधर फाइटिंग चल रही है और उधर हेनरी और चार्ल्स को ये पता चलता है कि ये दोनों तो हाफ ब्रदर है। थॉमस उनको ये बताते हैं कि भी मेरा पहले यूलेला बोन नाम की एक लेडी से अफेयर था जिससे ये बेटा पैदा हुआ चार्ल्स बोन। अब यूलेला जो थी, क्योंकि चार्ल्स बोन का जो कलर है ना वो थोड़ा सा ब्लैक है, ठीक है, तो उसको समझ में आया कि मेरी जो वाइफ है यूलेला बोन वो निग्रो एंसेस्ट्री से है जिसके कारण उन्होंने उसको छोड़ दिया। अब वो कहता है कि अब वो हेनरी समझ जाता है कि चार्ल्स बोन और जूडिथ की शादी नहीं हो सकती है क्योंकि ये दोनों तो अब ब्रदर और सिस्टर है, पर चार्ल्स ये बात नहीं बताता कि मैं एक शादी एंगेजमेंट करूंगा। इस लड़ाई के बाद हेनरी और चार्ल्स वापस सुटपन के प्लांटेशन में आते हैं जहां हेनरी कहता है कि चार्ल्स तुम इसे शादी मत करो। चार्ल्स जब नहीं मानता है तो हेनरी उसे मार देता है और भाग जाता है। अब स्टोरी में एलन कोल्डफील्ड की डेथ हो जाती है और गुलाम प्रथा भी खत्म हो जाती है, स्लेव सारे आजाद हो जाते हैं, प्लांटेशन बर्बाद हो जाती है। अब थॉमस सुटपेन जो है वो एलन की छोटी बहन रोजा से शादी करना चाहता है, लेकिन वो उसे पहले कहता है कि शादी तभी करूंगा जब पहले तू मुझे एक लड़का पैदा कर देगी। तो रोजा इस शर्त पर शादी करने से मना कर देती है। इसके बाद वो एक टीनेज लड़की जिसका नाम है मिली, तो सुटपेन उसको पटाता है जो कि एक गरीब पड़ोसी वाश जोन की पोती है। मिली प्रेग्नेंट हो जाती है और प्रेगनेंसी के बाद मिली की एक लड़की पैदा होती है जिसके बाद थॉमस उसे मिसट्रीट करता है, यहाँ तक कि वो उसे कहता है भी तुम लोग तो मेरे अस्तबल में सोने लायक नहीं हो क्योंकि अस्तबल में घोड़े ने घोड़ा पैदा किया है और तुमने लड़की पैदा की है। इस बात इस सुटपन के इस ट्रीटमेंट से नाराज होकर मिली का जो दादाजी हैं जिनका नाम है वाश जोन्स, वो मिली को, मिली की बेटी को और थॉमस सुटपन सबको मार देते। इस तरह थॉमस सुटपेन का एंड होता है। इसके बाद हेनरी वापस आता है और वो यहाँ पर रहने लगता है। अब वो यहाँ पर जूडिथ भी रहती है और एक यहाँ पे रहती है क्लेटीमिनिस्ट्रा जिसका नाम है क्लिटी। ये जो क्लिटी है ये भी थॉमस और एक गुलाम की इलिजिटमेट बेटी है। जब क्लिटी को ये शक हो जाता है कि पुलिस को या ला को ये पता चलने वाला है कि हेनरी ने चार्ल्स को मारा है, तो वो उस घर को जला देती है, हेनरी को भी मार देती है और खुद भी मर जाती है। जो क्वेंटिन ने ये कहानी बताई है ये पूरी तरह से ब्लड बिट्रायल सीक्रेट से भरी हुई है, जिसमें अमेरिकन साउथ की जो कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है उसके बारे में बताया गया है। इसमें जो गल्ट की लीगेसी है उसके बारे में बताया गया है। ये बात ध्यान रखने वाली है कि विलियम फॉकनर खुद साउदर्न से थे लेकिन वो अपने नॉवेल्स में स्लेवरी का डिसअप्रूव करते थे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को डिसअप्रूव करते थे। और क्वांटिन जो है वो जो इस स्टोरी को समझना चाहती है तो उसके थ्रू वो ये समझना चाहती है कि वो रिकनसाइल करना चाहती है, वो जो पास्ट में दिए गए रॉन्ग्स थे वो उनको सही करना चाहती है। और जिस बेटे बेटे की बात थॉमस सुटपेन करता था अब यहाँ पर सिर्फ एक पर्सन रहता है जिसका नाम है जिम बोन्ड, जो कि चार्ल्स बोन का बेटा है। चार्ल्स बोन थॉमस टूपन का बेटा था और थॉमस टूपन का चार्ल्स बोन का बेटा है जिम बोन्ड, वो यहाँ पे रहता है। वो मेंटली हैंडीकैप है और उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और वो अकेला इस जो स्टूपन्स 100 जो उनकी प्लांटेशन थी वो वहां पर रहता है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको अब ये नोवेल की स्टोरी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, इसके मेन करेक्टर समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी विलियम फॉकनर के इस इंपॉर्टेंट नॉवल को पढ़ सकें। और प्लीज कोई कमेंट जरूर लिखिएगा ताकि मैं थोड़ा सा मोटिवेट होकर नई वीडियो बना सकूं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।